गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इंजीनियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं करंट अफेयर क्लासेस में और जनरल स्टडी क्लास में। तो आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और बिल्कुल मैं राइट टाइम पे हूं, आप पूरी कोशिश करता हूं कि बिल्कुल राइट टाइम पर आप लोगों के बीच में रहूँ, ठीक है। तो इंजीनियर एकेडमी देहरादून यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, और आज डेट है आपकी 11 अक्टूबर 2019। 11 अक्टूबर 2019 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी आपकी और इससे जुड़े हुए जो भी जनरल स्टडी के क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स ज़रूर मेंटेन करें, समझ रहे हो, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों के सामने पहला ही क्वेश्चन रखने वाला हूँ मैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, रवि जायसवाल, अशोक कुमार जी, गुड मॉर्निंग। चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे, जो आप लोगों की स्क्रीन के सामने, साउंड वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है, साउंड वगैरह की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। हु हैज़ बीन अवार्डेड 2018 नोबेल प्राइज लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में 2018 का साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। बच्चा ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे कल तक तो आपको 2019 बताया, लेकिन इस वर्ष मैंने 2018 क्यों कह रहा हूँ, 2019 का भी आपको बताऊंगा। ध्यान देना कि 2018 में किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि साहित्यिक एकेडमी के जो मेंबर थे उनमें से किसी एक पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था, जिस कारण से 2018 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान देना कि 2018 का किसे दिया गया, आपका ओल्गा टॉकरी युक्त का, ठीक है ना, इनका नाम क्या है आपका, ओल्गा टॉकरी युक्त, ठीक है, कुक है इनका नाम, ठीक। ये जो कहाँ से बिलोंग करती है, पोलैंड से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, पोलैंड से, ठीक है, कौन से बिलोंग करते हैं, पोलैंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ओल्गा टॉकरी युक्त कुक करके, ठीक है, 2018 का। 2019 का किसे दिया गया वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा किसे दिया गया, वो भी यहाँ मैंने मैंसन किया हुआ है। और जो लोग भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं हमारे, तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार के द्वारा इसरो सेंटर कहाँ पे आपका, बेंगलोर के अंदर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के अंदर कल ही ये क्या किया गया आपका, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, यानी कि बच्चों के जो आपके स्कूली बच्चे होते हैं उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, उनके स्किल को बढ़ाने के लिए क्या किया गया आपका, एक योजना शुरू करी गई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया, प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे उनके कौशल को समृद्ध करने के लिए या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया, तो उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया आपका ध्रुव, क्या नाम दिया गया आपका ध्रुव, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ रहे हैं, ध्रुव, यानी कि ए इसमें राइट आंसर आएगा। बच्चे जो आप लोग मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ पे सब में मिल जाएगा आपको, कोई सा भी न्यूज़पेपर आप उठाओगे तो आज के न्यूज़पेपर में भी और कल के न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसरो के द्वारा क्या किया गया, बच्चों को वैज्ञानिक क्षेत्र में या साइंटिफिक फील्ड में क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 9th क्लास से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन वो साइंटिफिक फील्ड में था, ठीक है, यानी कि सिलेबस में जोड़ा गया था बच्चों के, लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक ध्रुव करके योजना शुरू की गई, ठीक है। इसमें भारत कौन सा आपका, मानव संसाधन मंत्रालय, यानी कि आपका HRD जो मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, उसके साथ मिलकर कौन कर रहा है आपका, इसरो के साथ जोड़ के ये योजना शुरू की गई, ठीक है। और इसमें जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा उन्हें ध्रुव तारा नाम दिया जाएगा, उन बच्चों को, उस पूरी एक टीम के जो मेंबर होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा, ध्रुव तारा स्पेशल नाम दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को ध्यान हो गया, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, यानी कि केंद्र जो आपका मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आशा जो कार्यकर्ता होते हैं, रूरल जो क्षेत्र होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य के लिए अवेयर करने के लिए, सरकारी जो योजनाएं हैं हेल्थ से जुड़ी हुई उसके लिए मोटिवेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर जो होते हैं आपके, उन्हें क्या बोला जाता है, आशा कहा जाता है, ठीक है। तो इनको जो दी जाने वाली जो राशि है, यानी कि जो मानदेय होगा आपका,
ये पर मंथ के हिसाब से कितना कर दिया गया, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे बढ़ाया गया तो अब कितना कर दिया गया, यानी कि डबल कर दिया गया, अब 2000 रुपये होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बच्चा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम की ओर, और सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हें स्किप ना करें आप लोग। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका 2000, ठीक है ना, पर मंथ 2000 आएगा आपका, ठीक है, हाँ 2000 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा बच्चा। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2019 का, ठीक है 2018 का जो, सॉरी आपका 18 का, तो मैंने अभी बता दिया था आपको कि 2019 का जो क्या दिया जाएगा आपका, 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ठीक है 2000 चंद्रयान 2 के लिए कौन सा, मैंने आपको बताया था जीएसएलवी, ठीक है M3 बताया था मैंने आपको, Mark 3 बताया था, ठीक है ना, M3 बताया था बच्चा मैंने, M3 करके आया था, ठीक है, GSLV M2 नहीं था, M3 था। तो जो आपका 2019 में जो लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, इसे आप लोग सर्च करें। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों के लिए होमवर्क है, हर क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपका 2018 का बताया, 2018 का बता दिया मैंने आप लोगों को, 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, 2018 और 19 का एक साथ दिया जा रहा है, 18 का मैंने अभी बताया आप लोगों को, 19 का जरूर आप लोग न्यूज़पेपर में सर्च करें या कहीं पे सर्च करें, इसका आंसर राइट आंसर क्या आएगा जरूर ढूंढें, ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने एंड पे कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिंडन एयरपोर्ट, ठीक है ना, हिंडन जो एयरपोर्ट है आपका, इसकी पहली उड़ान किसके द्वारा संचालित की जाएगी, समझ रहे हो आप लोग। अब जो हिंडन एयरपोर्ट है, भारतीय एयरफोर्स का जो क्या था, ट्रेनिंग बेस था, या भारतीय एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का ही क्या था आपका, बेस था यहाँ पे, ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट हो गया, बरेली हो गया आपका, तो ये गाजियाबाद के आसपास है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, हिंडन एयरपोर्ट अब क्या कर दिया गया आपका, एक सिविल एयरपोर्ट होगा, सिविल एयरपोर्ट होगा, जो कि क्या रहेगा आपका, ऑप्शन रहेगा किसका, ध्यान देना किसका ऑप्शन रहेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी होने के कारण अब इसे ऑप्शनल बनाया गया, ठीक है, तो यानी कि अब ये क्या कर दिया गया आपका, सिविलियन कर दिया गया, सिविल लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया, हिंडन एयरफोर्स जो एयरपोर्ट था आपका, ठीक है, तो इसे कौन करेगी, हेरिटेज एविक्शन जो कंपनी है इसको दिया गया, इसका संचालन किसे दिया गया, यानी कि आपका यहां पे GSLV M3 आएगा बच्चा, यहां पे इस तरह से तो नहीं आएगा, विकास कुमार जी ऑप्शन में GSLV इस तरह से था आपका, M3 था, ठीक है, इस तरह से दिया गया था, M1 नहीं था वो, M3 था, इस तरह से M इस तरह से दिया गया था, ऑप्शन में इस तरह दिया गया था बच्चा, अलग अलग नहीं गया था, M3 था इस तरह से, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये 1-1 नहीं था बच्चा, इसमें M3 था ये, ठीक है। तो हेरिटेज एविक्शन कंपनी को दिया गया, अब ध्यान देना जो हिंडन एयरपोर्ट है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, इसे क्या कर दिया गया, अब सिविल कर दिया गया, और इसके लिए जो ऑपरेट करेगी हेरिटेज एविक्शन कंपनी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, नासिक शहर कहाँ पे है, नासिक शहर कहाँ पे आपका, नासिक कहाँ स्थित है, कर्नाटक तेलंगाना या महाराष्ट्र में, यहाँ पे नासिक को पूछने के वजह मैंने आप लोगों को बताया था कुंभ मेला है, ठीक है, कौन सा आपका, कुंभ मेला, कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पे लगता है आपका, ठीक, एक हो गया आपका कहाँ पे, नासिक में, एक कहाँ पे लगता है आपका, नासिक में, और दूसरा आपका कहाँ पे लगता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद या आपका प्रयागराज में, ठीक है, और तीसरा आपका कहाँ पे लगता है, उज्जैन में लगता है, और चौथा आपका हरिद्वार में लगता है, ठीक है। तो ये 4 जगह भारत में कुंभ मेला लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, इलाहाबाद में त्रिवेणी घाट, गंगा यमुना और सरस्वती के, उज्जैन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है गोदावरी के किनारे कहाँ पे लगता है, तो आपका नासिक में, यानी कहाँ पे, महाराष्ट्र में,
उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, जो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक आपका क्या होता है, कल्प स्पोर्ट करके आपका क्या है आपका, ठीक है, कल्प स्पोर्ट स्पोर्ट्स वेयर बनाती है आपकी, ठीक है। इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो जहां तक बच्चों का फीडबैक था, अभी एसएससी जेई 2018 का जो एग्जाम था, वहां पे लगभग हर शिफ्ट में एक दो ब्रांड एम्बेसडर जरूर पूछे गए थे। ठीक है, एक दो आपके ब्रांड एम्बेसडर जरूर पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा जसमीत बुमराह। ठीक है, किसे चुना गया? भारतीय जो क्रिकेट टीम के बॉलिंग बॉलर है, ठीक है, तो इन्हें चुना गया, किसका? स्पोर्ट्स वेयर के जी, ठीक है ना, कल्ट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका? जसप्रीत बुमराह। ठीक है बच्चे, मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताई है, डेली मॉर्निंग में 7 बजे से लगभग 9 बजे की टाइमिंग मेरे पास है जनरल स्टडी और करंट अफेयर की। तो ये पूरी की पूरी क्लास मैं लूँगा बच्चे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो उसके लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस देश ने हाल में ही महिलाओं को सशस्त्र बलों में सेवा के लिए अनुमति दे दी? और साथ ही साथ इस कंट्री ने रिसेंटली क्या करा था? 2 वर्ष पहले, मुझे ध्यान है कि 2 वर्ष पहले, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2016 के आसपास इसने पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग करने की अनुमति दी थी। उससे पहले महिलाएं यहाँ पर ड्राइविंग नहीं कर सकती थी। दूसरा, अभी 2019 लगभग आपके मार्च और जून के मंथ में इसने क्या अनाउंस करा कि यहाँ पे जो भी महिला है वो विदेश में क्या कर सकती है, जॉब कर सकती है, किसी दूसरी कंट्री में अकेले घूमने जा सकती है, ठीक है, बिना अपने किसी परिचित के भी जा सकती है, किसी दूसरी कंट्री में जॉब करने के लिए जा सकती है। तो ऐसा किस कंट्री ने करा अभी? अब क्या कर दिया कि वहाँ की जो आर्मर्ड फोर्सेज होंगे उसमें क्या कर दिया आपका? अनुमति दे दी। तो ऐसा करने वाला जो कंट्री आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब, ध्यान देना, यहाँ पे यूएई नहीं आएगा बच्चा, सऊदी अरब, यानी कि डी इसका राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, यहाँ की करेंसी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ की करेंसी क्या, आपकी रियाद यहाँ की करेंसी है, और रियाद करके आता है यहाँ पे, ठीक है, रियाद इसकी कैपिटल है। क्या है? एक गल्फ कंट्री आपकी सऊदी अरबिया, जिसकी करेंसी होगी आपकी रियाल और कैपिटल होगी आपकी रियाद, इसकी कैपिटल होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए, समझ रहे हो, पहले ही घोषित कर दिया गया आपका, वर्ष 2020 के लिए मुस्लिम महिला के रूप में किन्हें घोषित किया गया? हु वॉज द डिग्लेयर, ठीक है, मुस्लिम वोमेन ऑफ द ईयर 2020, 2020 के लिए किसे घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से पूछा गया। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, इस संगठन के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, तो कौन सा संगठन है वो आपको बता देता हूँ, ये रहा इसका, यहाँ पे मैंने आपका एक्सप्लेनेशन भी करा है। ठीक है, ध्यान देना, जॉर्डन, जॉर्डन स्थित आपका क्या है, रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक, क्या है आपका, स्टडी सेंटर, समझ रहे हो आप लोग, रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर जो आपका RISSC, इसके द्वारा क्या कर दिया गया आपका, राहिबा, ठीक है ना, राशिदा तालिब, ठीक है, राशिदा तालिब, यानी कि आपका ए इसका राइट आंसर आ गया, राशिदा तालिब को मुस्लिम वोमेन ऑफ द ईयर 2020, 2020 घोषित किया गया। सी इज द अमेरिकन कांग्रेस वोमेन, ठीक है, ये क्या है आपका, अमेरिकन कांग्रेस वोमेन है, जिन्हें क्या कर दिया गया, जॉर्डन स्थित RISSC के द्वारा क्या कर दिया गया, मुस्लिम महिला के रूप में घोषित किया है। ठीक है, रसीदा तालीब को, ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि उसे 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी क्या होगी, ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट क्या बनाई जाएगी आपकी, रोड बनाई जाएगी। ठीक है, ऐसा किस देश के द्वारा घोषित किया गया, विच कंट्री अनाउंस डेट क्रिएट द 14, यानी कि आपका 1400 किलोमीटर लॉन्ग और 5 किलोमीटर क्या आएगा आपका, चौड़ा होगा बेल्ट, ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, ऐसा किस देश के द्वारा घोषित किया गया ऐसा? तो अभी किस देश के द्वारा किया गया आपका, इंडिया, भारत ने अभी ऐसा अनाउंस करा आपका। ठीक है, क्या करेगा आपका, ग्रीन बेल्ट बनाएगा,
जो कि कहाँ से शुरू होगी आपकी, गुजरात से शुरू होगी और हरियाणा और दिल्ली तक ये क्या होगी आपकी 1400 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट जो रोड बनाई जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह की योजना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ मैं, सरकार ने गुजरात से और दिल्ली हरियाणा सीमा तक, समझ रहे हो आप लोग, गुजरात से आपकी, यह भी ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपका, इस पे क्या पूछेगा, जो ग्रीन बेल्ट आपकी कॉरिडोर बनाई जाएगी या ग्रीन बेल्ट जो रोड होगी आपकी, ये कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, दिल्ली से हरियाणा तक, ये कहाँ पे होगी आपकी, दिल्ली से हरियाणा सीमा तक 1400 किलोमीटर इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, और विड्थ कितनी रहेगी इसकी, यानी कि आपका 5 किलोमीटर इसकी विड्थ रहेगी, ठीक है। और ये क्या आपकी ग्रीन बेल्ट रोड रहेगी आपका, इसका नाम क्या है, ग्रीन बेल्ट रोड योजना की घोषणा करी है। ऐसा क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पश्चिमी देशों में ऐसा क्या करेगा आपका, बड़े पैमाने पर क्या करा गया, वहाँ पे पेड़ों को काटा गया, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रीन, ग्रेट ग्रीन वॉल, ये भी याद रखना आप लोग, ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल करके एक योजना थी जो पहले से ही आपकी बनी है पश्चिमी देशों में, ठीक है। सेनेगल में कहाँ से, डकार करके इसकी जगह है, डकार से आपकी कहाँ तक, जिबूती तक है आपकी ग्रीन, समझ रहे हो, आपके ग्रेट ग्रीन वॉल योजना, उसी बेस पर भारत भी ऐसा कर रहा है, ठीक है, जैसा वहां पे हुआ है आपका, ठीक है ना। तो ध्यान देना आप लोग इस चीज को भी, ध्यान देना, ग्रीन बेल्ट जो बनेगी आपकी, ठीक है, हाँ, गंगा पे बनेगी। एक बच्चे ने भेजा है यहाँ पे, बादशाह करके एक बच्चा है, सर गंगा पे बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब जनरल स्टडी में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है तो आपको इसी तरह समझने पड़ेंगे, इसके लिए मैंने हिंदी तैयार नहीं करी आपका, ठीक है। आप लोग अगर एमएस वर्ड पे काम करते हो, एमएस वर्ड पे अगर आप लोग अभी काम करते हो, तो वहाँ पे आपको पोर्ट्रेट, ठीक है ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसका एक पार्ट मिलेगा आप लोगों, ठीक है। आप लोगों के पास मेनू रहेगा, आपके पास टास्क बार रहेगा, आपके पास टूल बार रहेगा, तो ये ध्यान देना आप लोग, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसका एग्जाम्पल है, या आपको ये फीचर कहाँ पे मिलेगा, पेज ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा, पेज साइज में मिलेगा, या पेज व्यू में मिलेगा, तो ध्यान देना कि ये कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। पेज लेआउट में तो मिलेगा, लेकिन इसके भी अंदर आपको क्या आएगा, पेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका ए, इसमें राइट आंसर आएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, ए, क्योंकि आपका पेज क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आप ही में से किसी बच्चे ने भेजा हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ग्रुप बनाए गए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आप ही सारे बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन भेजे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं सभी बच्चों के अंदर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना, कहाँ पे मिलेगा आपको, पेज ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ द डिवाइस, कंप्यूटर स्पीकर एंड हेडफोन, हेडफोन और जो स्पीकर होता है, कंप्यूटर स्पीकर होता है और आपका जो हेडफोन आप लोग यूज करते हैं, ये कैसी डिवाइस है, इनपुट है, इनपुट और आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है या आउटपुट डिवाइस है, क्या पूछ रहा आप लोगों से, जो भी आप लोग यूज करते हो डिवाइस, कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स में देते रहिए कि कंप्यूटर डिवाइस कैसी डिवाइस है, आउटपुट है कि इनपुट है या दोनों में आएगी आपकी, ठीक है। तो ध्यान देना, ये दोनों की दोनों क्या आपकी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, डी राइट आंसर आएगा, इनपुट नहीं आएगा बच्चा, हेडफोन भी आउटपुट देता है बच्चा, दोनों में स्पीकर की बात करेंगे तो दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं आपके, आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस आएगी दोनों के दोनों, चाहे वो कंप्यूटर स्पीकर हो चाहे आपका क्या हो, ठीक है, स्पीकर हो चाहे आपका हेडफोन हो, दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं आपके, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, हाँ ओपी है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, यानी कि डी इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि आर द प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ प्रो कीबोर्ड, आप लोगों का जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप पे कौन सी की होती है, ये पूछ रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्ट बंगाल के अंदर कोई एग्जाम हुआ था आपका, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टॉप रो पे जो की होती है आपकी वो कौन सी की होती है, फंक्शनल की, टाइप की, ठीक है, या आपका न्यूमेरिक की होगी या नेविगेशन की होगी,
अच्छा क्वेश्चन लेफ्ट साइड में लेने हैं। अच्छा अभी तो ये सेटिंग नहीं हो सकती, अगली बार से लेफ्ट साइड में ही लूँगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आपके, हाँ आप लैंडस्केप में देख रहे होंगे तो दिक्कत आ रही होगी आप लोगों के। हाँ बहुत बढ़िया, सबसे ऊपर जो होता हमारा क्या होता है, फंक्शनल की होती, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम में, सॉरी किसी भी कीबोर्ड में सबसे टॉप में जो की होती है फंक्शनल की होती है, और इनके कितने नंबर होते हैं, 12। फंक्शनल की टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल की कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं, ठीक है। बस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, MICR में सी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को क्या दिया जाता है MICR, ठीक है, MICR में, कि अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो फुल फॉर्म ही बता देना आप लोग, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है आपका, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, डी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी राइट आंसर आएगा। बच्चे ये अभी राइट हैंड साइड पे नहीं आ सकते बच्चे, क्योंकि ये फंक्शन कमांड दे चुका हूँ मैं इसमें, अब ये चेंज नहीं हो पाएगा इस टाइम पे, ठीक है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान दूंगा मैं आप लोगों को कि ये राइट हैंड साइड पे लूँ मैं, ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे ही रखूंगा आगे से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन भी RRB JEE का एग्जाम जो हुआ था आपका 2018 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट द ओनली इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, इनमें से कौन सी आपकी सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड मॉनिटर। अब मॉनिटर तो यहाँ पे देखो, माउस आपका क्या है, इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन मॉनिटर क्या करता है आपका, आउटपुट देता है, ठीक है, यानी कि मॉनिटर आउटपुट हो गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कौन सा आपका, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, कोई भी प्रिंटर क्या करता है आपका, आउटपुट देता है, ठीक है, कोई भी क्या देता है आपका, आउटपुट देता है, ठीक। नेक्स्ट आपका प्लॉटर हो गया, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। फाइनली आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही मैच कर रहा है, आपका माउस अपने आप में क्या है, इनपुट है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी क्या होता है, कोई भी स्कैनर आप लोग ध्यान देना, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी, डी अपने आप में क्या है एक, ठीक है ना, यानी जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने उस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, डी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक बच्चे ने MKS करके लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और स्कैनर हो गया, ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है ना, डेक्स जेट हो गया आपका, इंक जेट हो गया या लेजर हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है आपका, प्रिंटर सॉफ्टवेयर मॉनिटर या कीबोर्ड, ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने डेक जेड भी लिखा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपका डॉट मैट्रिक्स पूछा गया था, ठीक है ना, वहाँ पे क्या पूछा गया था, डॉट मैट्रिक्स। तो आज के सेक्शन में मैंने कंप्यूटर वाले क्वेश्चन ज़्यादा रखने की कोशिश करी है, ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स आपका किसका एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर ने पूछ चुका है पहले, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका, ये सारे के सारे क्या है आपके, प्रिंटर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर आएगा, ये किसके एग्जाम्पल है आपके, प्रिंटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून, वेलकम डियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपका, ये जनरल स्टडी में तो नहीं आएगा आपका, करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक ग्लोबल इंडेक्स द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, यानी कि जो पासपोर्ट बनाने के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं, सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर लचीला है या क्या आपका, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं पावरफुल की बात करूं तो जापान के अंदर, ठीक है, इसमें टॉप रैंक पे जो कंट्री रही थी आपकी वो कौन सी थी, जापान थी, ठीक है, टॉप रैंक पे कौन सी थी आपकी, जापान इसमें सबसे टॉप रैंक पे थी, यानी कि सबसे पावरफुल रैंकिंग में नंबर वन पे जापान थी, और भारत का रैंक इसमें 2019 में कौन सा था, 79, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी, 79, सबके सब 68 मारने लग गए आंसर। अब 68 कल बताया था मैंने आपको, वैश्विक आधार पर भारत की जो रैंक है वो है 68, सारी यही नहीं बताना, ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 44 रैंक बताई थी और एक रैंक बताई थी 79, ये तीनों के तीनों आपस में बिल्कुल मत जोड़िए इन्हें, ठीक है, यहाँ पे भारत की रैंक क्या आएगी, 79 आएगी। मैंने बताया था आप लोगों को डिजिटल लेवल पे बताया था, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है, वैश्विक आधार पर भारत की रैंक क्या है
इकोनॉमिक आधार पर विश्व स्तर पर, वो है 68 आपकी। यहाँ पे मैंने पावरफुल जो आपके है पासपोर्ट में भारत की जो रैंक है आपकी 79 रैंक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, ठीक है, यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स से किस स्पीड से हम लोग यहाँ पे किसी चीज को छोड़ें कि वो जो ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकल जाए, समझ रहे हो, ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकल जाए तो उसके लिए क्या होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या होता है आपका जो पलायन वेग होता है पृथ्वी का। इस गति से अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो ही वो वस्तु क्या होती है आपका ग्रेविटी फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या आता है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ध्यान देना, हमारा चाहे पीसी है चाहे लैपटॉप है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। चाहे आपका विंडो है, ठीक है, विंडो के अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पेंटियम यहाँ पे जो दिया गया है क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है पेंटियम, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका डी, इसमें राइट आंसर आएगा, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका डी। यहाँ पे दीपक सुनियाल जी आपने एमएस डॉस दिया है आंसर, बच्चा एमएस डॉस भी अपने आप में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफी बार बताया था कि आरबीआई के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया गया था किसको, विप्रो को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ठीक है, विप्रो को शॉर्ट लिस्ट किया गया था आपका, आईबीएम को किया गया था, उसके साथ साथ तीन अलग जो कंपनियां थी भारत के अंदर आईटी कंपनियां, इन्हें क्या कर दिया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ठीक है। अब 2019 जून से ये क्या कर रही है, वर्क में आ चुकी है आपकी, जिसके लिए क्या बनाया गया आपका पीसीआर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसमें क्या होंगे आपके सभी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो होगी आपकी, मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोई भी जो बैंक फ्रॉड होता है, अभी आरबीआई द्वारा क्या कहा गया, आरबीआई की जो गाइडलाइन जारी करी गई, अब सभी बैंकों के अंदर जो भी डिफॉल्टर होंगे उन सबका जो डेटा रहेगा एक ही जगह इकट्ठा रहेगा, नहीं कि आपका पीएनबी का अलग, स्टेट बैंक का अलग, जितने भी भारत के अंदर जो बैंक है, तो सभी जो भी डिफॉल्टर होंगे उन सबका जो डेटा रहेगा एक ही जगह पर रहेगा, उसे क्या नाम दिया गया आपका पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। जैसे मेहुल चौकसी हो गए आपके, ठीक है, जैसे आपका कौन हो गया विजय माल्या होंगे, जो भी डिफॉल्टर है इन सब का नाम एक ही जगह रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, जिसे क्या नाम दिया गया आपका पीसीआर नाम दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना इसको, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ये नाम रहेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, मैंने आप लोगों को बताया भी था ये क्वेश्चन, यदि आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो और वहां पे ग्रामेटिकली यानी कि ग्रामर को आप लोगों को क्या करना है, स्पेलिंग चेक करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे एनपीए की डेफिनेशन चेंज हुई है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा अभी गाइडलाइन जारी करा गया था, एनपीए की डेफिनेशन कुछ चेंज हुई है, ध्यान देना, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर अगर आप क्या करते हो, काम करते हो और ग्रामेटिकली आपको स्पेलिंग चेक करना है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की कौन सी होगी, ठीक है, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की कौन सी होगी, यदि आप कहीं पे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, हाउ कैन स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बी डिटेक्ट, आप कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, जल्दी से आंसर दीजिए। रवि पांडे जी ने आंसर दिया है सबसे पहले प्रेस F7, तो आपको कौन सी करनी है, फंक्शनल की F7 से आप क्या कर सकते हो, ग्रामेटिकली पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका डी, F7 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है ना, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अब चलते हैं हम लोग आज के क्विज की ओर, यानी कि टुडे क्विज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इनके बारे में आप लोगों को मैं समझाता भी रहूंगा, ठीक है ना। टुडे क्विज में देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आपके कौन से होंगे, करंट अफेयर के, जो डेली के करंट अफेयर रहेगी,
ठीक है, 10 क्वेश्चन अभी तक मैं आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ, यानी कि जनवरी से अब तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और एंड में वही क्विज कराता हूँ जो आप लोग पढ़ चुके हो उन्हें रिवीजन के तौर पर, ठीक है। हाँ, विकास विशाल सिंह का आंसर आया यहाँ पे, हु हैज़ बीन द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। समझ रहे आप लोग, चीफ जस्टिस ऑफ, इनका नाम क्या आपका, गीता मित्तल, इनका नाम क्या आपका, गीता मित्तल, ठीक है ना, गीता मित्तल है, इनका नाम क्या है आपका, गीता मित्तल। बच्चे ध्यान देना, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज समझाता हूँ, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर अगर आप लोगों ने आज से पहले सुना होगा तो लीला सेठ का नाम सुना होगा, ठीक है ना, लीला सेठ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो ध्यान देना कि गीता मित्तल तो क्या है आपकी, चीफ जस्टिस है, यानी कि वहाँ की मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाली, टोटल जो 25 हाई कोर्ट है, इन 25 हाई कोर्टों में पहली महिला के रूप में चुनी गई, चीफ जस्टिस के रूप में गीता मित्तल। लेकिन न्यायाधीश की बात करूँ मैं तो लीला सेठ चुने गए थे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ये न्यायाधीश की बात करेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा आपसे कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ, और किसी भी हाई कोर्ट के अंदर पहली चीफ जस्टिस के रूप में चुनी गई तो गीता मित्तल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, एशियन गेम 2018 में कहाँ पे हुए, एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में कहाँ पे हुआ, टू थाउजेंड एटीन एशियन गेम कहाँ पे हुए आपके, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपका, जो सही आंसर आएगा इसका क्या आएगा आपका, एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में कहाँ पे हुआ, तो सही आंसर आएगा आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ आपका, ठीक है, कहाँ पे हुआ आपका, इंडोनेशिया, ठीक है ना, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ आपका 2018 में। ध्यान देना बच्चों, एशियाई खेल, एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में पहली बार होता है, और कहाँ से होता है आपका, दिल्ली के अंदर से होता है, पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ। ये खेल भी प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं आपके, यानी कि पहली बार दिल्ली में हुआ, अब लास्ट टाइम आपका 2018 में कहाँ हो चुका आपका, जकार्ता के अंदर हो चुका है। तो 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा आपका, तो चाइना में होगा। सारी चीज़ें क्लियर होगी, इससे बाहर नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बार दिल्ली ने होस्ट करा, यानी कि भारत में होस्ट किया गया, ठीक है, 2018 में आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, और 2022 में कहाँ पे होगा, चाइना में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाँ, इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज होने वाली है, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज होने वाली है, थोड़ा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम बदलने वाला है। यहाँ पे विकास कुमार जी ने पूछा है, हाँ, इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है, एंड ऑफ ये दिसंबर 2019 तक कर लेगा, लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को, ध्यान दे रहा मुझे भी नाम, ठीक है, हु हैज अपॉइंटेड द 15th फाइनेंस कमिश्नर चेयरमैन, ठीक है, जो 15वां वित्त आयोग बना, 15वां वित्त आयोग जो बना है उसके अध्यक्ष कौन है आपके, तो एन के सिंह, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है आपका एन के सिंह। फाइनेंस कमीशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 आप लोगों को क्या बताता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया आपका, वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया, कहाँ पे, आर्टिकल 280 में दिया गया, ठीक है। 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग आपका 2021 से 2025 के बीच में रहेगा, ठीक है, 15वां वित्त आयोग 2021 से 2025 के बीच में रहेगा, और किसी भी वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आयुष्मान भारत हेल्थ, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, यानी कि आयुष्मान जो भारत योजना है ये कहाँ से शुरू की गई थी, सिटी का नाम पूछ रहा आप लोगों से कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कौन से शहर से की गई थी, ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आता है, 23 सितंबर, बहुत बड़ी योजना है याद रखना, 2018 में शुरू होती है,
23 सितंबर 2018 में शुरू होती है, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया है रांची से, तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका रांची। समझ रहे हो आप लोग? आयुष्मान भारत योजना 2018 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी, कहाँ से? रांची से शुरू हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है? ये आयुष्मान जो योजना है आपकी, कैसी योजना है? ये हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, ठीक है? ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित एक योजना है, ठीक है? साथ ही साथ ध्यान देना कि इसमें क्या किया जाएगा आपका, एक साल के लिए प्रत्येक फैमिली को 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है? जो भी भारत के अंदर BPL फैमिलीज होती है, जो गरीब फैमिली है, उन्हें 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा भारत के अंदर। इसे ऑपरेट करने के लिए दो एजेंसी है आपकी, ठीक है? कौन कौन सी आपकी? नेशनल हेल्थ एजेंसी हो गई, और दूसरी एजेंसी नहीं, ऑथोरिटी, ठीक है? नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी हो गई, और दूसरा हो गया आपका IRDA, ठीक है ना? इंडियन ठीक है, ये आपका क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना? ये क्या आपका? इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो क्या करेगी भारत के अंदर, इसे रेगुलेट करेगी, ठीक है? इन दो कंपनियों को ये दिया गया। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, वाटर डे के रूप में प्रत्येक वर्ष जल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, ठीक है? तो वाटर डे के रूप में प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ, यहाँ पे दीपक सुनियाल जी ने जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका मेंशन भी करा है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि NHA हो गया आपका, दूसरा कौन सा हो गया? IRDAI, ठीक है? ऑपरेटिंग ऑथोरिटी आपकी। तो इसमें ध्यान देना कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आप लोग क्या मनाते हैं? वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो जनवरी मंथ की डेट सभी लोगों को याद होगी कि जनवरी मंथ में कौन कौन से डेट मनाते हैं, ठीक है? कौन कौन सी डेट जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया भी था आप लोगों को। इसकी थीम जो रखी गई थी आपकी, लिविंग नो वन बिहाइंड, जो इसकी थीम थी 2019 में, ठीक है? 2019 में इसकी थीम क्या रखी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के सामने। 2018 जो सियोल प्राइज दिया गया था, सियोल पीस प्राइज, ध्यान देना, सियोल इस तरह से आएगा आपका, सियोल शांति पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया जाएगा, ठीक है ना? तो किसे दिया जाएगा आपका? तो ध्यान देना, इसका पीएम मोदी राइट आंसर आएगा। सियोल पीस प्राइज, मैंने आप लोगों को सभी को बताया था कि साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम क्या आपका? साउथ कोरिया, ठीक है? आप लोग ध्यान देना, दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है उसका नाम है सियोल। ध्यान दे रहे हो आप लोग? यहाँ पे जो सियोल दिया गया ये कुछ अलग सा नहीं है, ये कैपिटल है किसकी? दक्षिण कोरिया की। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और ये शांति पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को दिया गया। समझ रहे हो आप लोग? पहली बार किसी भारतीय को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका पीएम मोदी। अब यहाँ पे साउथ कोरिया आया है आपका, तो साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ की करेंसी क्या आपकी? वॉन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं आपका। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल हो गई, और करेंसी क्या हो गई आपकी? वॉन हो गई। इससे बाहर नहीं पूछेगा वैसे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। होप अपने आप में एक मार्स मिशन है। होप अपने आप में क्या है? एक मार्स मिशन है, ठीक है ना? जैसे भारत ने क्या करा आपका, आदित्य मिशन है भारत का, जो सन ऑर्बिट को क्या करेगा? स्टडी करेगा, ठीक है? सन के जो सूर्य के बाहरी क्षेत्र को स्टडी करने के लिए आदित्य 2 करके लॉन्च किया गया, ठीक है? तो उसी तरह से होप मिशन आपका लॉन्च करने वाली कंट्री कौन सी है? तो इस कंट्री का नाम आपका, ये आपकी स्क्रीन के सामने, UAE, ठीक है? UAE यानी कि आपका यूनाइटेड अरब अमीरात आपका क्या करेगा, इसे लॉन्च करेगा, ठीक है? और लगभग लगभग आपका 95% कंप्लीट हो चुका है। ये एक मार्स मिशन है UAE का, ठीक है? PDF के लिए बच्चा आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मूविंग ऑन एंड मूविंग फॉरवर्ड किसकी बुक है, ठीक है? अ ईयर ऑफ ऑफिस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय, यानी कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर, ध्यान देना, इस वर्ष यानी कि 2018 और 19 में जो भी इम्पोर्टेंट बुक होगी वो सारी की सारी बुकें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा,
समझ रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में हम लोग उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि ये बुक है तभी याद होती है, ये सारी चीज़ें तभी याद होती है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह होगी उसे हम लोग एक साथ रखेंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान, हाँ, वेंकैया नायडू, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, एम वेंकैया नायडू, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इज द बुक, ठीक है, इन ऑफिस, ये किसकी बुक है, वेंकैया नायडू। सबसे ज़्यादा ध्यान देना, जैसे अभी नोबेल के लिए जो आपका लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उन्हें कौन से बुक के लिए दिया गया, 2018 में किसके लिए दिया गया या 2017 में किसके लिए दिया गया, पॉसिबल चांसेस होते हैं, ये पूछा जाता है आपका। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017, 18, 19 किस बुक के लिए दिया गया, कौन से राइटर को दिया गया, ये पूछे जाने की ऑप्शन ज़्यादा ज़्यादा चांसेज होते हैं, समझ रहे हो। कोई भी बच्चा अगर एग्जाम में जाता है तो ध्यान देना आप लोग, बुकें कौन कौन सी याद रखनी है आपकी। मैन बुकर जो अवार्ड दिया जाता है, यानी कि मैन बुकर अवार्ड जो दिया जाता है आपका, तो 2017 में किसे दिया गया और कौन से बुक के लिए दिया गया, ये पूछ सकता है आपका। 2018 में किसे दिया गया और कौन से बुक के लिए दिया गया, ठीक है, और 2019 में किसे दिया गया, कौन से बुक के लिए दिया गया, यानी कि ये इस तरह से पूछा जा सकते हैं, जो बुक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए ये पूछ सकते हैं, जो आपका साहित्य का नोबेल दिया जाता है उसमें जो बुक किस राइटर को कौन से बुक के लिए दिया गया, ये पूछा जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना कि बुक है हर कोई नहीं पूछता, वही पूछता है जो चर्चाओं में रहती है उस टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी कमेंट्स में देंगे, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो आज के टाइम पे टीवी में आप लोगों को ऐड दिख जाएगा, ठीक है ना, जो टेलीविजन वगैरह होते हैं वहां पे इसका ऐड आप लोगों को दिख सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए। तो ध्यान देना कि ये कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या आपका, NSC गोविड, ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, गोविड, ठीक है, BID करके दिया होगा, गोविड इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। EBID बताया आप लोगों ने, तो कल मैंने आप लोगों को गोविड ही बताया था, ठीक है ना। गोविड करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, NSE के द्वारा लॉन्च किया गया, जो भारत में रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए डायरेक्टली क्या आपका गोविड एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एप्लीकेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं आपका, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जो आपका बंदरगाह है, ठीक है ना, इस तरह से पूछेगा आपसे दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, जो आपका क्या है, बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह किस राज्य में है, स्टेट का नाम पूछ रहा आपसे, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका गुजरात, गुजरात के अंदर, हाँ, गुजरात के अंदर जो आपका कांडला बंदरगाह था, समझ रहे हो आप लोग, गुजरात के अंदर जो कांडला पोर्ट था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया आपका, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया, जो कि कहाँ पे आपका, गुजरात स्टेट के अंदर है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर गुजरात, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय जो आपका रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे है, दीनदयाल रेलवे स्टेशन, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में है, ठीक है। एक तो बंदरगाह बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, हाँ, अर्लियर नोन एज द कांडला पोर्ट, ठीक है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था आपका, कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे लेट हो गए आप लोग, तो ध्यान देना कि जो मैंने आपका बताया था कि दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो है आपका वो कौन सा था आपका, मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो यूपी के अंदर है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो यूपी के अंदर है, ठीक है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, ठीक है, विच कंट्री रिजॉइनिंग कॉमनवेल्थ आफ्टर 2 ईयर विड्रॉ, 2 साल तक ये क्या रही आपकी, बाहर रही, समझ रहे आप लोग, राष्ट्रमंडल से 2 वर्ष बाहर रहने के बाद
दोबारा से ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन सी है? राष्ट्रमंडल से, ठीक है ना? अच्छा आवाज काफी स्लो हो रही क्या? राष्ट्रमंडल से 2 वर्ष बाहर रहने के बाद कौन सी कंट्री, ठीक है, राष्ट्रमंडल से 2 वर्ष बाहर रहने के बाद दोबारा से रीज्वाइन कर रही है, तो वो कंट्री कौन सी आपकी? इस कंट्री का नाम है आपका मालदीप, ठीक है। मालदीप एक बार दोबारा से रीज्वाइन कर रही है, ठीक है। मालदीप मैंने बताया था आप लोगों को कि 2019 मार्च में क्या कर चुकी है, आपका रीज्वाइन कर चुकी है, ठीक है, रीज्वाइन कर चुकी है, यानी कि इसने दोबारा से ज्वाइन कर लिया आपका मालदीप ने। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ मैं, इसमें टोटल अब मेंबर कितने हो गए आपके, 54 मेंबर हो गए, समझ रहे हो आप लोग, ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे एक बच्चा अनुराग कुमार मुगल सराय से, बहुत बढ़िया, ध्यान देना आप लोग बच्चा, इसमें पहले 53 मेंबर कंट्री थे, अब कितने हो गए आपके, 54 हो गए। ये वही है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि राष्ट्रमंडल की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रमंडल में वही कंट्री आप पार्टिसिपेट करती है जहाँ पे कभी क्या रहा होगा आपका, ब्रिटिश रूल रहा होगा, ठीक है, अंग्रेजी शासन रहा होगा, तो वही सारी कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। यहाँ की कैपिटल, सॉरी यहाँ पर क्या आपका मालदीप, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मालदीप की जो पार्लियामेंट है, मजलिस हो गई, और यहाँ पे जो करेंसी है रुपए, ठीक है ना। फर्स्ट पेमेंट बैंक, भारत में पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? भारत में पहला जो पेमेंट बैंक है आपका वो कौन सा है आपका, भारतीय एयरटेल। आवाज कम आ रही है क्या, काफी कम आ रही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, यानी कि जो फर्स्ट पेमेंट बैंक है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनीश कुमार, अवनीश भट्ट जी जो कह रहे कि आवाज नहीं आ पा रही है बच्चे, अब देखो ये तो सिस्टम से ही कुछ दिक्कत होगी, वैसे आवाज तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अगर 76 को अगर सभी बच्चों ने पढ़ा होगा तो याद होगा आप लोगों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, हाँ अटॉर्नी जनरल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आर्टिकल 76 को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 76 लीगल, ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो आप लोग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, महान्यायवादी कहा जाता है। और वर्तमान समय पर महान्यायवादी कौन है आपके, के वेणुगोपाल, जहां तक मुझे याद है के वेणुगोपाल करके है, ठीक है ना, वेणुगोपाल, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था आपका, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 अगर आप लोग पढ़ते हो तो वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, और स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, ठीक है ना, जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी, समझ रहे हो, किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर राष्ट्रपति क्या करता है, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, यानी कि ना तो अभी राज्यसभा का सेशन चल रहा है और ना ही लोकसभा का सेशन चल रहा है, लेकिन इस दौरान क्या होता है, किसी कानून में बदलाव करना, किसी कानून में बदलाव करना, उसके लिए क्या करते हैं, भारतीय प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं आपका, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे ने 108 आंसर दिया है, संजय करके, ठीक है, इंजीनियरिंग, तो 108 में जॉइंट सेशन है बच्चा, 1 2 3 सही राइट आंसर आएगा, विशाल सिंह जी ने जो आंसर दिया है राइट आंसर है आपका, ठीक है ना, हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका 123। बच्चे ध्यान देना, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A, यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ के नागरिकों को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, और साथ ही साथ क्या दिया गया था आपका, स्पेशल प्रोविजन के साथ साथ क्या था, यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 और 35A
35 AM है, लेकिन ध्यान देना बच्चा, ठीक है ना, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ध्यान देना बच्चा कि ये दोनों के लिए 1954 में प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, ठीक है, भारतीय जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, तो आर्टिकल 123 के तहत, जब कोई सेशन नहीं चल रहा होता है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के दल बदल कानून के अनुसार 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? When the 10th शेड्यूल was at the according कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ, ठीक है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका 1985। दीपक सुनियाल जी ने 1954 दिया, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो आपका क्या था, 52वां अमेंडमेंट एक्ट था आपका, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ करता था आपका, ध्यान दें आप लोग, क्या हो जाता है आपका दल बदल कानून में, क्या होता है कि कोई भी सांसद हो आपका, चाहे राज्य के अंदर कोई भी विधायक हो, यानी कि अगर ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इनका पद रिक्त हो जाता है, ना कि वो पद के साथ दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया आपका, 1985 में ऐसा कानून लाया गया कि यदि कोई भी सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है तो वो क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा, समझ लो, उस पर दोबारा से वोटिंग होगी अगले 6 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डिनेंस वाला था, हाँ हाँ, ओके डियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है किस कारण, व्हाई डज द पीस ऑफ आइस मूव इन वाटर, ठीक है, पानी जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो पानी में तैरता है, ऐसा किस कारण होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछा गया था 2018 RRBJEE के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, पानी की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है, ठीक है, आइस डेंसिटी इज द लेस देन वाटर रिक्वायर, ठीक है, रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, आइस डेंसिटी इन द लेस देन वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि आइस की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, समझ रहे हो आप लोग, पानी की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है डेंसिटी के कारण, लो डेंसिटी के कारण ऐसा होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सोनार जो नाविकों के द्वारा, समुद्री जो जो नाविक होते हैं, ठीक है, नाविकों के द्वारा क्या किया जाता है, एक जो सोनार यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें कौन किस तरह की जो साउंड होती है, जो साउंड होती है उसका प्रयोग होता है, ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। इसमें जो प्रासव्य तरंगे होती है या एल्टीट्यूड ट्रेन बोलते हैं या अल्ट्रासोनिक जो ट्रेन, सॉरी आपकी अल्ट्रासोनिक जो साउंड होते हैं उसमें क्या करता है आपका प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो इसमें ध्यान देना, जो प्रासव्य तरंगे होती है उस पर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ अल्ट्रासोनिक हो गया ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, यदि कपड़ों पर स्याही के धब्बे हटाने के लिए किस तरह का अम्ल का प्रयोग किया जाता है, विच एसिड यूज टू रिमूव स्टेंट फ्रॉम क्लोथ, यानी कि आपका क्या होता है, जो कपड़ों के स्याही के धब्बे लग जाते हैं उसमें कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान दें इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार इसी तरह से पूछा गया है आपका, ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन देखो, ऑप्शन वाली अभी प्रैक्टिस के लिए, ये सारे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन की आदत पड़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है। जो भी बच्चा नया जुड़ा है उन्हें मैं बता देता हूँ, डेली का आपका 10 क्वेश्चन क्या होता है, करंट अफेयर का होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके रिविजन होते हैं, और लगभग आपके 20 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, क्विज के तौर पर रहेंगे, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क होता है, यहाँ पे कास्टिक सोडा दिया है बहुत सारे बच्चों ने, तो जो चिली सॉल्ट पीटर ओर ऑफ द सोडियम, सोडियम का होता है, ठीक है ना, चिली सॉल्ट पीटर सोडियम का ओर होता है, अयस्क होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विच प्लेस सेट द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है आपका, कोयम्बटूर को, किसे कहा जाता है आपका, कोयम्बटूर को। यानी कि जो क्वेश्चन सही है आपका, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, कोयम्बटूर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका कोयम्बटूर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश इन इंडिया, भारत में पब्लिश होने वाला पहला न्यूज पेपर। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग, ये पब्लिश होता है आपका 1870 में। ठीक है ना, 1870 में पहली बार पब्लिश होता है, और उसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, बंगाल गजट। बंगाल गजट जेम्स अगस्ता हिक्की के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। इसके जो पब्लिशर थे, जेम्स अगस्ता हिक्की, बंगाल गजट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका बंगाल गजट, सही आंसर आएगा जो क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पास होता है, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पास होता है आपका, उस समय पर गवर्नर थे आपके चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पास होता है, उस वर्ष आपके क्या थे, चेम्सफोर्ड गवर्नर थे। और इसी के बाद भारत में एक घटना होती आपकी, कौन सी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के बाद होता है। तो यानी कि कौन सी बात होगी आपकी, 1919। ठीक है ना, 1919 का। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था आपका, 1919। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका 1919 में रॉलेट एक्ट आता भारत में, इसके तहत, जिसे क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, ठीक है, लेबर डे, यानी कि आपका मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मजदूर दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष जो सेलिब्रेट किया जाता है आपका, तो ये 1 मई को, प्रत्येक वर्ष 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है आपका, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मजदूर दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। हाँ, 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, करंट के, आपका जनरल स्टडी के। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उन्हें मैं बता देता हूँ कि कौन से बच्चे के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम लिंक देता हूँ, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा मैं आप लोगों को टाइमिंग का बता देता हूँ बच्चा, टाइमिंग 7 बजे से लेकर आपका, जो आपका 7 से लेकर 8 बजे के जो टाइमिंग रहेगी आपकी, किसकी रहेगी, करंट अफेयर की रहेगी। ठीक है, और 8 से लेकर आपका 9 बजे का जो टाइमिंग रहेगा आपका जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल स्टडी का टाइमिंग रहेगा। ठीक, ये आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेगी, डेली आपकी ये क्या चलेगी, रेगुलर क्लास चलती रहेगी। ठीक है ना, पीडीएफ के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है ना, आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, हर क्वेश्चन के बाद मैं हमेशा कहता हूँ मैं आप लोगों को, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन हो आप लोग, ठीक है, चाहे टेक्निकल पार्ट हो आपका चाहे नॉन टेक्निकल पार्ट हो, अपना फीडबैक जरूर दें, एंड में अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, आज मैं आपका 8 से 9 वाली क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आगे आप लोगों की ये टाइमिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये दोनों की दोनों टाइमिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी, आपका 7 से लेकर 9 बजे तक का टाइमिंग सारा ये मेरे पास ही है। ठीक है, तो इस टाइमिंग पे मैं आप लोगों को करंट और नॉन टेक का जो भी पोर्शन होगा उसे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।